67वां गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में राजपथ पर देश की ताकत और संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। आर्मी डेयरडेविल्स ने राजपथ पर अपने हरतंगेज कर्तव्य दिखाए। मुख्य अतिथि फ्रांसवा ओलांद को सांस्कृतिक कार्यक्रम ने मंत्रमुग्ध कर दिया। इतिहास रचते हुए फ्रांस सेना की टुकड़ी सलामी मंच के सामने से पहली बार गुजरी। फ्रांस की सेना ने 48 संगीतकारों का दस्ता राजपथ पर इस परेड में शामिल हुआ। राजस्थान की झांकी में शिल्पकला का नमूना दिखा। झांकी में हवा महल को गौरव के तौर पर दिखाया गया। राजपूत मुगल स्थापत्य कला की खूबसूरती देखने को मिली। लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की पत्नी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। राष्ट्रीय राइफल्स के गोस्वामी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 21 तोपों की सलामी के साथ राजपथ पर तिरंगा फहराया। राष्ट्रपति 146 घुड़सवार सुरक्षा कर्मियों के साथ राजपथ पर पधारे। बीकानेर में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। करणी सिंह स्टेडियम में सीएम ने झंडारोहण के दौरान कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजस्थान विधानसभा में ध्वजारोहण हुआ। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस पर जयपुर स्थित बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद रामचरण बोहरा विधायक महापौर निर्मल नाहटा शामिल हुए। वैर में गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण का कार्यक्रम घने कोहरे के बीच हुआ। एसडीएम ऑफिस पर एसडीएम विजेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण किया। झालावाड़ में भी 67वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। श्री जी महमी स्टेडियम पर मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक ने ध्वजारोहण कर मंच से ध्वज को सलामी दी। सीकरी के सीनियर स्कूल में झंडारोहण हुआ जिसमें प्रिंसिपल वेद प्रकाश ने ध्वजारोहण किया। भवन मंडी के मेला मैदान पर गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया जिसमें एसडीएम कमल यादव ने ध्वजारोहण किया। वहीं स्कूल के बच्चों ने शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन किया। नागौर में 67वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान ने जिला खेल स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद समारोह के मुख्य अतिथि पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सलामी ली। जोधपुर में गणतंत्र दिवस की धूम नजर आई। उम्मीद राज्य के स्टेडियम में प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खुसर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। जोधपुर में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अजीत सिंह ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। इस मौके अवसर पर न्यायाधीशों ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उदयपुर में 67वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। गृहमंत्री गुलाब सिंह कटारिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कटारिया ने ध्वजारोहण के बाद परेड का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ में गणतंत्र दिवस पर इंदिरा गांधी स्टेडियम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिता भदेल ने यहां झंडा फहराया। रायसिंह नगर में गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य समारोह बीएसएफ परेड मैदान में हुआ। ध्वजारोहण के बाद एसडीएम ने परेड की सलामी ली। स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। भीलवाड़ा में गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय मुख्य समारोह सुखाड़े स्टेडियम में सरकारी मुख्य सचेतक आलोक गुर्जर ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। सीकर में गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। जिला स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता एवं प्रभारी मंत्री अजय सिंह किलक ने शिरकत की। उन्होंने झंडा फहराया। दौसा में गणतंत्र दिवस की धूम देखी गई। दौसा के प्रभारी मंत्री ने ध्वजारोहण के दौरान समाचार पत्र संवाददाता एक्शन पांडे को बेस्ट कवरेज के सम्मानित किया गया। बालोतरा में भारत पाक युद्ध में सेना की मदद करते हुए शहीद होने वाले लोगों को अब तक शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया है। परिजन अपने लाडलों को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर है। सिरोही में शहीद भंवर सिंह राठौड़ के परिजनों ने गांव में शहीद की प्रतिमा लगाने के साथ ही सड़क और स्कूल का नाम भंवर सिंह के नाम पर रखने की मांग की। उदयपुर के इतिहासकार के राजेंद्र मोहन भटनागर अब तक सुभाष चंद्र बोस पर 10 किताबें लिख चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि बोस की मौत प्लेन हादसे में नहीं हुई थी। अलवर में भिवाड़ी मोड़ के पास युवक ने 1 साल की मासूम के साथ रेप की कोशिश की। आरोपी बच्ची को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। डेगाना में किरतालसर बाजौली रोड के पास युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को अपने कब्जे में लिया। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। 29 जनवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म मस्ती जादे को प्रमोट करने सनी लियोनी टीवी शो चिड़ियाघर के सेट पर पहुंची और संस्कारी बाबूजी के नाम से मशहूर केसरी से पाठ पढ़ने पहुंची।